फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है, अरबियों ने चने के झाड़ पर चढ़ा दिया मकान और कुछ और तुड़वा दिया। चलो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। यार, चाहे सीए का मुद्दा हो, चाहे हिजाब का मुद्दा हो, चाहे नुपुर शर्मा का मुद्दा हो, यार ये कमबख्त हैदराबाद में बवाल क्यों नहीं होता? हैदराबाद में गाड़ियां क्यों नहीं जलाई जाती? हैदराबाद बंद क्यों नहीं होता? हैदराबाद की दुकानें क्यों नहीं बंद होती? हैदराबाद के रास्ते क्यों नहीं बंद होते? ये सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कान खोल के सुन ले। ये क्या हुआ कि मुसलमान वो है, ये कौम वो है कि अगर हमने अपनी बाहें फैला दी तो सूरज हमारी छातियों में समा जाएगा। पहले जाके हदीसे अपनी खुद पढ़ो जो सैयद बुखारी और सैयद मुस्लिम ने लिखी हैं और दाऊद ने लिखी हैं, फिर एहसास करोगे उसमें इतनी ऐसी ऐसी हदीसे हैं जो बहन माँ बेटी के सामने बैठकर पढ़ी नहीं जा सकती और बोली नहीं जा सकती। अब देखना यह है कि कितने दिन में 1 करोड़ आदमी ये अरब देश हिंदुस्तान वापस भेजते हैं, और ये मिलियन मिलियन बिलियन डॉलर्स का जो रिमिटेंस आता था, इसका क्या होता है? ये कब आना रुकता है? मुझसे इतिहास गवाह है, जब जब मुसलमान उठा है कहर लेकर उठा है, और इंशाल्लाह इस बार भी उठेगा। मुझसे इतिहास गवाह है, जब जब मुसलमान उठा है कहर लेकर उठा है, और इंशाल्लाह इस बार भी उठेगा। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब? आपका दोस्त दुश्मन सगा सौतेला डॉक्टर सैयद रिजवान अहमद फेस टू फेस में आपका स्वागत करता है, खैर मकदम करता है। तो कहर तो देख ही लिया होगा ना? कहर देख रहे हैं अभी हम। देखा उसकी फोटो के नीचे क्या चल रहा था वीडियो के? 40 किलो का होगा मुश्किल से, कुर्ता पजामा मिला के अगर वो उठा दो तो शायद 32 किलो वजन रह जाएगा उसका। और कहर बरपा रहा है पूरे हिंदुस्तान में। पहले इस घटनाक्रम में जरा इन लोगों की जुबान देखिए। जुबान, अफ्रीकन मुल्क बड़े पिछड़े माने जाते थे, बड़े पिछड़े, पर पिछले 25-30 साल में अगर आप लोग अफ्रीका को फॉलो कर रहे हैं, मैं इन पे प्रोग्राम्स अक्सर देखता रहता हूँ, आप स्पेशली बोट्सवाना देखिए, साउथ अफ्रीका देखिए, मोजाम्बिक देखिए, कीनिया देखिए, बहुत डेवलपमेंट हो रहा है, बहुत विचारधारा चेंज हो रही है। एक ज़माने में युगांडा का ईदी अमीन हुआ करता था, जिसके रेफ्रिजरेटर में आदमियों के सर और आदमियों के हाथ पाँव मिले थे, ये हाल था। सो द सोसाइटी इज़ इम्प्रूविंग, सोसाइटी इज़ रिफॉर्मिंग, सोसाइटी बदलाव की तरफ जा रही है, लेकिन एक विवाद में, मान लिया एक विवाद में, जरा इन लोगों की शब्दावली देखिए, जरा इनकी बातें सुनिए, पहले सुन लो फिर आगे आराम से बात करेंगे। पेशाब पीने वालों का, गोबर के अंदर नहाने वालों का हैसियत क्या है दुनिया में रहते? तो रिस्क मिलता है हमारी बरकत से मिलता है, इनको तो हवा मिलती है हमारी बरकत से मिलती है, इनको तो दरियाओं से पानी मिलता है हमारी बरकत से मिलता है, सोलवे की वजह से मिलता है, वरना इनका वजूद क्या है? आप मेरे भाइयों, बक्सों को काम करना भी तो इसलिए बातों को जहन में बिठा दो। हम खामोश तब तक है जब तक हमारा बर्दाश्त कायम है, बर्दाश्त से बाहर निकल गए तो फिर वो नुपुर शर्मा क्या, वो आशीष कोहली कुत्ता क्या, वो नुपुर शर्मा संदीप क्या, उनके सर कहीं और दर कहीं मिलेंगे। तवज्जो के साथ इस बात को सुन ले कि अगर मेरे आका की शान में गुस्ताखी उसने की है जो कि की है, और अगर कोई और भी करेगा तो इस बात को कान खोल कर सुन ले, उस पर एक्शन ले ले।
अगर एक्शन नहीं लेंगे तो मुसलमान रिएक्शन देगा। बेशक, बेशक। और मुसलमान जब रिएक्शन देता है तो तवज्जो से सुने, तारीख उठाकर देख ले, जब जब जिस कौम के खिलाफ मुसलमानों ने रिएक्शन दिया है उनके लिए जमीन रब्बे जुल जलाल ने तंग फरमा दी, वो दौड़े दौड़े फिरते रहे, उन्हें जमीन का एक टुकड़ा तक नसीब नहीं हुआ। सुन लिया, सुन लिया। अब बात करते हैं कानपुर के मौलाना की। ये कह रहा है कि कौम जिसके खिलाफ खड़ी होती है ये जमीन उसके लिए कम पड़ जाती है। ये इस तरह नहीं बोलते, ये जैसे बोलते हैं मैं बाद में बताऊंगा, अभी सिर्फ आपको कंटेंट दे रहा हूं। जमीन कम पड़ जाती है। अरे भाई कौन सी जमीन कम पड़ गई भाई? 7 मुल्क मिल के एक चावल बराबर इसराइल का क्या उखाड़ लिए भाई, क्या उखाड़ लिए हैं? कौन सी जमीन कम पड़ गई? तुम्हारी दुश्मनी तो यहूदियों से है, तुम्हारी दुश्मनी तो ईसाइयों से है, तुम्हारी दुश्मनी तो बौद्धों से है, तुम्हारी दुश्मनी तो कन्फ्यूशन से है, तुम्हारी दुश्मनी हिंदुओं से है। अम्मा भाई किसके लिए जमीन पर कम पड़ गई? मतलब यूं ही बोलते रहते हो और जाहिल तुम्हारे सामने खड़े हुए वाहवा करते रहते हैं और बेशक बेशक करते रहते हैं, सुभान अल्लाह माशाल्लाह करते रहते हैं। अबे कौन सी जमीन तुम लोगों ने किसके लिए कम पढ़ा दी? जरा इतिहास तो उठा के पढ़ लिया करो। तुमने कुछ पढ़ा ही नहीं है, तुम्हें सिर्फ बकवास करनी आती है, तुम्हारे जुबान से सिर्फ गंद निकलती है। मैं तो कहता हूं कि जैसे डायपर बच्चों के लिए बनते हैं, आदमी के मुंह के लिए भी डायपर बनने चाहिए जो इन मौलवी मौलानाओं के मुंह पर कस के बांध देने चाहिए। और मौलवी मौलाना क्यों बोले, जरा इस एमपी को भी सुन लीजिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, द लॉ मेकर, द बैरिस्टर, पहले इसको सुन लीजिए। कोई कहेगा अगर तुम्हारे कोई गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल पेश कर दो, मैं कहूंगा नहीं, तुमने अगर थप्पड़ मारा तो गफलत से मारा, दूसरा मार मारने के लिए हाथ उठाओगे तो पंजा पकड़ लूंगा दबा के, याद रखो। तुम मुझको गालियां इसलिए देते हो ताकि तुम नहीं चाहते कि मुसलमान पढ़ लिख कर उसके मुंह में जबान आ जाए और वो अपने इंसाफ के लिए खड़ा हो जाए। तुम मेरी मैं दिसंबर गोलियां इसलिए चलाई तुमने ताकि तुम नहीं चाहते कि मैं जिंदा रहूं और गरीब और मजलूमों की दास्तान को इंसाफ को बयान करूं। मगर सुन लो गोली मारने वालों, सुन लो मेरे दुश्मनों, मैं मरने के लिए तैयार हूं, क्या तुम मरने के लिए तैयार हो? सुन लिया, भाषा देखिए कि मुझे मारने वालों सुन लो, मुझ पर गोली चलाने वालों, वो याद है ना जो पिट 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 करके टायर की तरफ दो गोलियां चली थी, ये उन्हीं की बात कर रहा है। अरे तू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, अगर तुझे पता है तुझ पर गोलियां किसने चलवाई थी तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पे लेटर लिख, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लेटर लिख, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लेटर लिख, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को लेटर लिख। यार तू क्या खड़े होके बकवास कर रहा है और क्या कह रहा है, मुझे क्यों मारने की कोशिश की जा रही है? ताकि उभरते हुए मुसलमान की आवाज चुप हो जाए, ताकि मुसलमान तरक्की ना कर पाए, ताकि मुसलमान अव्वल ना हो पाए, पूरे देश का मुसलमान। और अपने ही मुंह से हैदराबाद और तेलंगाना के मुसलमान के लिए क्या कह रहा है जरा सुन लो, जहां इसके दादा ने राजनीति करी, इसके अब्बा ने राजनीति करी, इसने राजनीति करी, इसके छोटे भाई ने राजनीति करी, वहां के लिए अपने मुंह से क्या कह रहा है जरा सुन लो। तेलंगाना के मुसलमानों में गरीबी बढ़ रही है, तेलंगाना के मुसलमानों में जो हुकूमत के एम्प्लॉयमेंट का रेट है वो सिर्फ 4%, और तेलंगाना के देही इलाकों में रहने वाले मुसलमानों के पास ज़मीनात बहुत कम हैं। तेलंगाना में मुसलमानों के पास जो जाती घर हैं वो सिर्फ 57% है, और इसीलिए इन तमाम चीज़ों को अगर आप देखेंगे। सुन लिया, हैदराबाद और तेलंगाना में तो मुसलमानों के लिए कुछ कर नहीं पा रहा, और ये हिंदुस्तान के मुसलमानों का ठेका लेगा, ये 2 कौड़ी का जलील आदमी। और एक बात जानते हो, मैं तो बार बार समझाता हूं यार, चाहे सीए का मुद्दा हो, चाहे हिजाब का मुद्दा हो, चाहे नुपुर शर्मा का मुद्दा हो, यार ये कमबख्त हैदराबाद में बवाल क्यों नहीं होता?
हैदराबाद में गाड़ियां क्यों नहीं चलाई जाती, हैदराबाद बंद क्यों नहीं होता, हैदराबाद की दुकानें क्यों नहीं बंद होती, हैदराबाद के रास्ते क्यों नहीं बंद होते, वहां तो भाई मुसलमान आबादी बहुत है, वहां का तू सांसद है, तेरा भाई वहां का विधायक है, वहां कुछ नहीं होता। अरे मूर्खो झाइलों, मुंह से गाली निकलती है पर दूंगा नहीं, इतनी भी तुम में अकल नहीं है कि इसके हैदराबाद में कभी कुछ नहीं होता, क्योंकि हैदराबाद के मुख्यमंत्री से यह गले मिलता रहता है। अरे हैदराबाद में तो अभी दो मस्जिदें तोड़ दी गई थी, वहाँ कुछ नहीं हुआ, लेकिन तुम लोग की अकल पर पत्थर पड़े हैं और भैंसे की चर्बी पड़ी है, तुम लोगों को ये बात मेरी समझ में आएगी नहीं, पर शुक्र है अब ये शुरुआत हो रही है इस जाहिल को समझने की, इस कमीन बज़ात को समझने की। सुनो मौलवी क्या बोल रहा है कि दुनिया में बढ़ती ओ, ये हमने अभी देखा संबंध वी मोर लाइक हिम, हमारी सरकार के अरब देशों से जल भी रहे हैं और गमजदा भी है, अपने एजेंडे के तहत भारत के अंदर जगह जगह दंगे करवाए, उन दंगों को लीड करने के लिए जो तंजीमें उनको भड़का रही थी, मदनी जैसे लोग जो कह रहे थे कि हिंदू से देश छोड़ के चले जाओ, मदनी जैसे लोग जो घड़ियाली आंसू बहा रहे थे, ओवैसी जैसे लोग जो सर पे सफेद कपड़ा बांध के घूम रहे थे, वो कानपुर के इमाम जो कह रहे थे कफन बांध के हम निकलेंगे, निकले ही नहीं, कफन बांध के हम जो है देश की ईंट से ईंट बजा देंगे, हम गर्दनें काट देंगे, और रसूल के गुस्ताखी एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, वो सारे के सारे गायब हो गए और 20-30 साल के बच्चों को सड़कों में छोड़ दिया इन्होंने, सरकार से लड़ने के लिए, पुलिस से लड़ने के लिए और सिस्टम से लड़ने के लिए। सुना, इसी तरह अब ये बदलाव आएगा, और मुसलमानों तुम्हें जो खुश करने का तरीका है ये एक बार मैंने पहले भी दिखाया था, आज फिर दिखाता हूं, जरा करेक्टर में आ जाऊं, आ गया करेक्टर में। पता है मुसलमानों तुम किस तरह के नेताओं से खुश होते हो और ताली बजाते हो और माशाल्लाह इंशाल्लाह सुभान अल्लाह बोलते हो। अभी सुनाता हूं, अब समझ लो रिजवान अहमद एक मुस्लिम नेता है, अब मुझे कैसी तकरीर करनी है जो तुम लोग मुझे अपना नेता मान लो, अब मुझे कैसी तकरीर करनी है जो तुम लोग मेरे भाषण पर तालियां बजाओ। सुनो, ये सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कान खोल के सुन ले, कि मुसलमान वो है, ये कौम वो है कि अगर हमने अपनी बाहें फैला दी तो सूरज हमारी छातियों में समा जाएगा, और बस तुम लोग इसी पे खुश हो जाते हो, जाहिलों मूर्खों इसी पे ताली बजाने लगते हो कि क्या नेता मिला है यार, मतलब सूरज छाती में समा जाएगा, वाह वाह, यही है जो कौम को आगे लेके जाएगा। ये तुम लोगों की बदकिस्मती है कि तुम्हें नेता इसी तरह की तकरीरें कर कैसी, सुनो, दूसरा मां मारने के लिए हाथ उठाओगे तो पंजा पकड़ लूंगा, दबा के याद रखो, सुना, पंजा पकड़ लूंगा, मैं मरने को तैयार हूं, मगर सुन लो गोली मारने वालों, सुन लो मेरे दुश्मनों, मैं मरने के लिए तैयार हूँ, क्या तुम मरने के लिए तैयार हो, तुम मरने को तैयार हो, अरे मरने मारने से यहाँ सरकारें नहीं बनती हैं, मरने मारने का शौक है तो पाकिस्तान चला जा, अफगानिस्तान चला जा, काबुल चला जा, मिस्र चला जा, इजिप्ट भी चला जा, सीरिया चला जा, इराक चला जा, इथियोपिया चला जा, सूडान चला जा, कहीं चला जा, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की भाषा होती है, रुको तो मैं करेक्टर से बाहर आ जाऊं, तो इस तरह की भाषा तुम लोगों को पसंद आती है, हाथ पकड़ लूं, पंजा मोड़ दूं, गला मोड़ दूंगा, मरने को तैयार हूं, मारने को तैयार हूं, तुम लोगों को अकल की बात समझ में आती नहीं, यही तुम्हारे नेता तुम्हारे मौलवी जानते हैं, इसी तरह की तुमसे बात करते हैं कि मुसलमान के सीने में सूरज समा जाएगा, छाती में सूरज समा जाएगा, और तुम जाहिलों की तरह सीटियां मारते हो और तालियां बजाते हो। और चलते चलते एक बात कहूंगा, जो अरबियों की गोद में जाके इस बार तुम लोग बैठे हो, पहले जाके हदीसे अपनी खुद पढ़ो जो सही अल बुखारी और सही अल मुस्लिम ने लिखी हैं और दाऊद ने लिखी हैं, फिर एहसास करोगे उसमें इतनी ऐसी ऐसी हदीसें हैं जो बहन माँ बेटी के सामने बैठकर
पढ़ी नहीं जा सकती और बोली नहीं जा सकती। तो इन अरबियों को पहले ये हिदायत दो, ये चिट्ठियां लिखो, ये मेल डालो, ये गुजारिश करो कि उन हदीसों को पहले सेंश्योर करें, उन हदीसों को पहले रोकें जो किसी के पर्दे के बाद, इंतकाल के बाद उसका नाम ले लेके उसकी निजी ज़िंदगी के बारे में लिखी गई हैं और लिखवाई गई हैं। और जब वो किसी के हाथ आ जाती हैं, जब कोई दूसरा बोल पड़ता है, तो तुम्हारे तन बदन में मिर्चें लग जाती हैं। तो अरबियों को लेके एक ही हिदायत तुम्हें दे सकता हूं कि पहले उन अरबियों से ये पूछो कि ये प्राइवेट जिंदगी की हदीसें, रात को क्या हुआ ये हदीसें, कैसे क्या हुआ ये हदीस। तो मुसलमानों, होश में अभी भी आ जाओ, जिस अरब की गोद में जाके बैठे थे ना, कूद रहे थे, खुश हो रहे थे कि 43 बिलियन डॉलर का रिमिटेंस है, 1 करोड़ हिंदुस्तानी वहां काम करता है, अगर अरब नाराज हो गए तो देश का क्या होगा, भारत के हाथ में कटोरा आ जाएगा, अब तो हजूर की शान में भी गुस्ताखी हो गई, उसके बाद मुसलमानों की कुटाई भी हो गई, उसके बाद मुसलमानों के घर भी तोड़ दिए गए। अब देखना यह है कि कितने दिन में 1 करोड़ आदमी ये अरब देश हिंदुस्तान वापस भेजते हैं और ये मिलियन मिलियन बिलियन डॉलर्स का जो रिमिटेंस आता था इसका क्या होता है, ये कब आना रुकता है। अरे तुम्हें तो अरबियों ने इस बार बेवकूफ बना दिया, चने के झाड़ पर चढ़ा दिया और पिछवाड़ा और मकान तोड़वा दिया। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज। तो फ्रेंड्स, अच्छा लग रहा है कि मुस्लिम्स, इंडियन मुस्लिम्स ही आके आंखें खोल रहे हैं उन मुस्लिम्स की जिनका दिमाग खराब हुआ पड़ा। नहीं देखिए, ये बहुत ही जबरदस्त क्रिटिक कर रहे हैं और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि समझ जाओ और थोड़े एजुकेशन लो, ध्यान से समझो, चीजों को ठीक तरह से करो। उन्होंने खुद बोला कि अगर तुम खुद हदीस को स्टडी करते हो तो तुम्हें जो प्राइवेट में चीजें हुई हैं वो लिखी हुई हैं और वो अरब्स, क्योंकि लिखी तो अरब्स नहीं है, उन अरब्स को जाके बोलो क्यों लिख दी तुमने ये सब चीजें। करेक्ट, यही कह रहे हैं, जो जो लिखा हुआ है अरबियों को, मतलब अरब लोगों ने जो लिखी हैं वो नहीं लिखनी चाहिए, उसको सुन सेंसर करो, मतलब उसको सेंसर करो, बंद करो, अंदर करो भाई, ये चीजें इंटरनल हैं, तुमने जो मेन बॉडी ऑफ रिलीजन है उसको तुम प्रमोट करो, उसमें अच्छाई है, आगे बढ़ो, मगर जो जो चीजें हैं जिनमें थोड़ी कंट्रोवर्सी है उनको मत सामने आओ, ये उन्होंने क्लियर किया है। और देखिए, वहां पे अगर आप देखें तो अरब वर्ल्ड में कभी ऐसा होता नहीं है, राइट, इस तरीके से। तो उनका कहने का मतलब ये है कि एजुकेशन, आइए एजुकेशन थोड़े रखो और जो तुम्हें बहका रहे हैं लोग उनकी बातें मत सुनो और जो है अपने देश का देखो, कि अल्टीमेटली पॉइंट वही आ रहा है। और उन्होंने ये भी चैलेंज किया कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि वहां से लोग वापस आ जाएंगे, वहां लोग इसलिए उनकी जरूरत के लिए लोग हैं, तो दुख की बात है कि हमारे लोगों को वहां जाना पड़ रहा है काम करने के लिए, वहां पे कोई वापस नहीं आने वाला, क्यों, क्योंकि वहां पे उनको जरूरत है, उनके बिना काम नहीं चल सकता, ठप हो जाएगा, उनकी पूरा बट्टा बैठ जाना। करेक्ट, तो ये इसलिए नहीं है कि वो लोग, उन लोगों का काम ही नहीं चलना, क्योंकि ब्रेन तो हमारे में है, जिनमें ब्रेन है वो वहां जाके काम चला रहे हैं। मुझे लग रहा है जिन्होंने ये सब पत्थरबाजियों का प्लान बनाया था उन्हें लगा था कि एक्शन नहीं लिए जाएंगे और दब जाएगा इंडिया, हम यही बोलेंगे कि वहां पे इतने लोग गए हुए इंडियंस, उनको वो वापस भेज देंगे, हमें उनको बड़ा सपोर्ट है, तो डर के इंडिया जो है हमारे हिसाब से चल लेगा। उन्हें ये नहीं पता कि इंडिया कितना आगे। और मैं पता है, इन सब वीडियोस में इससे मुझे ये रियलाइज हुआ है और हम सब इंडियंस को रियलाइज हो जाना चाहिए कि इंडिया को सुपर पावर और स्ट्रांग इंटरनली बनना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि बाहर की कंट्रीज किसी भी टाइप का प्रेशर हमारे ऊपर ना डाल सके। राइट, देखिए, पहली बात तो लर्निंग आ रही है, हर इंसान को एजुकेटेड तरीके से काम करना चाहिए, लॉ को ब्रेक नहीं करना चाहिए, किसी और के रिलीजन पे बुरा नहीं बोलना चाहिए, रिलीजन एक पर्सनल मैटर है, उसको डिबेट्स और टॉपिक्स में नहीं आना चाहिए। नहीं, और बहुत इंपॉर्टेंट है कि सारे बच्चों को इकट्ठे बिठा के प्रॉपर पब्लिक स्कूलों में जाके पढ़ाइयां देनी चाहिए। एग्जैक्टली, वेरी, आपकी प्रॉपर यूनिफॉर्म कोड भी आ जाना चाहिए और प्रॉपर एजुकेशन मिलनी चाहिए प्रॉपर स्कूल्स में, जिसे हर इंसान आउटलुक जो है एजुकेटेड हो। तो ये काफी अच्छे तरीके से लोगों को समझा रहे हैं
कि ऐसा ही होना चाहिए, और ये भी बता रहे हैं जो एमपी वगैरह हैं वो ऐसी भाषा यूज कर रहे हैं तो फिर क्या होगा। और आप उनको अपना लीडर बना रहे हो। मैं तो, मुझे याद है जब मैंने इनकी पहले फर्स्ट वीडियो देखी, ओवैसी की देखी थी, तो मैं हैरान थी कि ये लीडर बन कैसे सकते हैं, पॉलिटिकल लीडर बन। उन्होंने यही कहा कि इन सब चीजों से हुआ क्या, यंगस्टर्स जो जेल गए, जिनके घर टूटे, हुआ क्या, आपको मिला क्या। एक बंदे ने बोल दिया और वही बोल रहे हैं कि हैदराबाद में तो कुछ नहीं होता क्योंकि उसने अलायंस किए हुए, तो वहां सब पीसफुल है, जगह जगह प्रॉब्लम क्रिएट कर ली, जो यंगस्टर्स हैं वो जेल चले गए बिना बात के, और मतलब पथराव किया तो उनको ब्रेन वॉश करके पथराव करा दिया, वो जेल चले गए, उनके घर के घर तोड़ दिए, मतलब टूट गए। तो अल्टीमेटली ये कि किसी को कुछ उसमें बेनिफिट नहीं हुआ, अननेसेसरी जिन्होंने अपना पॉलिटिकल एजेंडा करना था वो कर लिया। मैं तो इतना दुख हो रहा है सोच के कि आपको पता है आपका एंड रिजल्ट सबका एक ही होता है, अच्छे काम कर लो यार, क्यों इतना मतलब न्यूज सुन सुन के दुख हो रहा है। मगर इसमें एक बात क्लैरिफाई नहीं करते, वो क्लैरिफाई करना रहूंगा, जहां पर भी जो भी घर वगैरह टूटे हैं, अगर टूटे हैं तो आई एम श्योर लीगली वो सब लीगल होगा, इट इज नॉट इलीगल। आप बताना, जहां तक मुझे पता है कोई भी, मुझे लगता नहीं है स्टेट इलीगली किसी घर तोड़ेगा, आई डोंट थिंक सो बॉस, ये सब लीगल होगा, लीगली उन्होंने पूरा करा होगा, जहां जहां इलीगल कंस्ट्रक्शन है उसी को तोड़ा होगा, जहां कोई ना कोई उनका पॉइंट होगा उसे वो किया होगा। मुझे तो मेरा ये सोचना है जिन्होंने गलत काम किया उनके घर तोड़ रहे, मुझे नहीं लगता उनके, आप बताना, क्योंकि अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन है तभी टूटे हैं। चलो बताना, इसका थोड़ा पता नहीं है, पर मैं तो कहती हूँ एक्शन लेने चाहिए जिसने गलत काम किए हैं, चाहे लीगली कर रहे हैं या इलीगली कर रहे हैं। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय-बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।